स्वागत है आपका टीचर 41 क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक हो कन्वर्जन। हम सीखेंगे कन्वर्जन क्या होता है, ठीक है। कन्वर्जन सीखेंगे आज हम, कन्वर्जन क्या होता है। कन्वर्जन में हम लोग आज सीखेंगे किलोग्राम, ग्राम, लीटर, मिलीलीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ये सब सीखेंगे। क्या क्या सीखेंगे? किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना, मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में, और लीटर को एमएल में, और एमएल को लीटर में। आज का ये हमारा टॉपिक है जिसे हम लोग ये सब सीखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, किलोग्राम इनटू ग्राम, किलोग्राम इनटू ग्राम। किलोग्राम के फॉर किलो, जी फॉर ग्राम। किलोग्राम को केजी में भी डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है। अब केजी को ग्राम में करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूला चाहिए होते हैं। हर किसी को यहाँ पे क्या चाहिए? फॉर्मूला चाहिए। किलोग्राम को ग्राम में करने के लिए फॉर्मूला होगा, ग्राम को किलोग्राम में करने के लिए फॉर्मूला है, मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में, लीटर को मिलीलीटर में, मिलीलीटर को लीटर में। ये जितनी वीडियोज हैं प्राइमरी लेवल्स की हैं, ठीक है, छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए, सीटेट लेवल के लिए। थोड़ा सा बेसिक है ये, इसमें ये सब उसके लिए, ये वीडियो जो बनी गई है उसके लिए, चीज़ के लिए बनाई गई है कि हम लोग सीख सकें कि कन्वर्जन में क्या क्या होता है। प्रीवियस वीडियो से मैंने आपको कुछ कन्वर्जन भी सिखाए थे, आज की वीडियो में हम सीखेंगे वो केजी को किलोग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में, और लीटर को मिलीलीटर में, मतलब बड़े से छोटा और छोटे से बड़ा दोनों ही सीखेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी हमें बड़े को छोटे में करना होता है, मतलब किलोग्राम क्या है बड़ा है और ग्राम क्या है छोटा है, ठीक है। जब भी हमें बड़े को छोटे में करना होता है तो हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई, हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई। लेकिन जब छोटे को बड़े में करना है, जब छोटे को बड़े में करना है तो हम लोग करते हैं उसमें डिवाइड, हम लोग उसमें करते हैं डिवाइड, ठीक है। तो हम लोग करते हैं उसमें डिवाइड। अब इसमें सीखते हैं, जैसे ये बड़ा है और ये छोटा है, किलोग्राम बड़ा होता है और ग्राम छोटा होता है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें करेंगे मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे? तो राइट करेंगे 1 kg इज इक्वल टू 1 × 1000 ग्राम, 1 × 1000 ग्राम। हमें किलोग्राम को ग्राम में करने के लिए क्या करना होता है? 1000 का मल्टीप्लाई करना होता है, जो भी नंबर दे रखा हो हमारे पास। अब जैसे सपोजेट मान लीजिए कोई नंबर है, हमने एक नंबर ले लिया 46 kg, ये हमारे पास एक नंबर है 46 kg, क्या हमारे पास एक नंबर है, ठीक है। इसको हमें किसमें चेंज करना है? ग्राम में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है? इसे ग्राम में चेंज करना है। तो ग्राम में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 1000 करेंगे, मल्टीप्लाई 1000 करेंगे। तो देखिए सीखते हैं कैसे करेंगे। अब 46 है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट ए फॉर्मूला, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट ए फॉर्मूला, 1 kg इज इक्वल टू 1 × 1000 ग्राम। अब हमारा 1 क्या है इस समय? 46 है, तो इज इक्वल टू 46 × 1000 ग्राम, आंसर हो जाएगा 46000 ग्राम। कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ कि हमने 46 का मल्टीप्लाई करा 1000 में। कैसे? 46 × 1 = 46 और 000 के 000 एडजस्टेड हमने राइट कर दिए, तो ये क्या हुआ हमारा? ग्राम में चेंज हो गया। ये हमने किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लिया। अब सीखेंगे कि ग्राम को किलोग्राम में कैसे करते हैं। अब सीखेंगे कि ग्राम को किलोग्राम में कैसे करते हैं, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि हाउ टू चेंज इन ग्राम इनटू किलोग्राम, किलोग्राम को किलोग्राम में कैसे करेंगे। मैंने आपसे कहा था अभी कुछ पहले कि बड़े से छोटे में करने के लिए मल्टीप्लाई, छोटे से को बड़े में करने के लिए क्या होगा? डिवाइड होगा। तो बस सेम हुई है यहाँ पे कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kg, सॉरी केजी यहाँ नहीं आएगा, केजी आएगा आपका यहाँ पे केजी, या फिर एक और तरीका है 1/1000 kg, एक ये तरीका है। दोनों तरीके से हम लोग कर सकते हैं, जिस तरीके से भी चाहें, ये भी इजी है और ये भी इजी है। वो सेम डिजिट कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे नंबर ले लिया हमने 4600, पुराना भी नंबर लेते हैं, ये किस में हमारा? ग्राम में है,
ये किसमें है हमारा, ग्राम में है, क्योंकि हमें ग्राम को किसमें करना है, किलोग्राम में चेंज करना है। जब भी हम छोटे को बड़े में करते हैं तो क्या करते हैं, हम उसका डिवाइड करते हैं। जब भी हम छोटे को बड़े में करते हैं तो हम लोग करते हैं डिवाइड, ठीक है। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो शुरू करते हैं डिवाइड करना। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड के 1000 ग्राम। एक फॉर्मूला राइट करा था हमने, 1 डिवाइडेड के 1000 किलोग्राम, सॉरी ये किलोग्राम है, ठीक है, किलोग्राम। इससे भी करेंगे फिर इससे करेंगे, दोनों से करेंगे। फर्स्ट 46,000 है, हमने एज इट इज 46,000 राइट कर लिया, और डिवाइडेड के हमने राइट कर लिया 1000 ग्राम, ठीक है। 1000 जो 46 से करेंगे तो निकल क्या आएगा, 46 kg। क्या निकल क्या आएगा, 46 kg। यहां से ग्राम को भी हटा देते हैं, चलिए, तो क्या निकल क्या आएगा, 46 kg। तो 46 kg क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अब करते हैं इस मेथड से, देखिए 1 की जगह हमने पुट करा ये वाला नंबर 46,000, 1 की जगह हमने पुट करा 46,000, डिवाइडेड के नीचे क्या है 1000, तो हमने डिनोमिनेटर में ऐड कर लिया 1000। ये थोड़ा सा इजी होता है बजाय इसके, ये थोड़ा सा इजी होता है। कैसे, हमने क्या करा, 0 से 0 को कैंसिल करा, इस 0 को 0 से कैंसिल करा, इस 0 को इस 0 से कैंसिल करा, नीचे 1 था, डिनोमिनेटर 1 की वैल्यू नहीं होती है, तो इसलिए जो इसका आंसर आ गया 46 kg, उसका आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या सीखा अभी कि केजी को कैसे ग्राम में चेंज करते हैं और ग्राम को किस तरीके से केजी में चेंज करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब समझेंगे मीटर को सेंटीमीटर में कैसे करते हैं, तो आप कर लें, हमारा अब के टॉपिक क्या है कि हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना सीखेंगे, ठीक है। किलोग्राम ग्राम सेल में आ गया हुआ है वो, ग्राम किलोग्राम सेल में आ गया हुआ है वो। अब कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करिए, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर भी आपको शेयर कर दिया जाएगा कमेंट सेशन में, आप उसमें हमें व्हाट्सएप भी करके कोई भी क्वेरी अपनी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। सेकेंड है हमारा, मीटर को हमें करना है किसमें, सेंटीमीटर। डैश का मतलब यहाँ पे माइनस नहीं है, डैश का मतलब है कि चेंज इनटू सेंटीमीटर। अब मीटर को सेंटीमीटर में करने क्या करते हैं, 1 मीटर इसका फॉर्मूला होता है, चलिए कलर चौक से राइट कर देता हूं, 1 मीटर इज इक्वल टू 1 × 100 cm। मैंने कहा था अभी भी आपसे द्वारा बोल रहा हूं कि बड़े नंबर को छोटे नंबर में करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और छोटे नंबर को बड़े नंबर में करने के लिए डिवाइड करते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने नंबर ले लिया 24 मीटर, ये नंबर हमारे पास 24 मीटर, इस 24 मीटर को हमें किसमें चेंज करना है, सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट ए फॉर्मूला, क्या करेंगे हम, सबसे पहले फॉर्मूला पुट करेंगे, फॉर्मूला पुट करते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1 × 100 cm, 100 cm। 1 की जगह क्या आ जाएगा 24, क्योंकि 24 क्या मीटर है, तो 24 × 100 cm, ठीक है। तो अब क्या हो गया, 24 × 100 = 2400 cm आंसर, डेट्स ऑल। ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया कि किस तरीके से हमने मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि छोटे को बड़े को छोटे में करने के लिए, बड़े को छोटे में करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं, और छोटे को बड़े में करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इससे वैरिटी हमने यहाँ भी वही करा है, ठीक है। अब हम सीखेंगे इसके बाद कि हाउ टू चेंज सेंटीमीटर इंटू मीटर। अब क्या सीखेंगे कि कैसे सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में चेंज करते हैं। अब सीखते हैं कैसे करते हैं सेंटीमीटर को इंटू मीटर, सेंटीमीटर इंटू मीटर। अब हम ये सीखेंगे कि हम कैसे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं। तो सो स्टार्ट, इसके लिए वही सेम फॉर्मूला होता है कि 1 सेंटीमीटर
इज इक्वल टू 1/100, यहाँ 100 लगता है, मीटर सेंटीमीटर में 100 लगता है, किलोग्राम किलोलीटर में क्या लगेगा 1000 लगेगा, ठीक है। वन में की जगह क्या है, चलो नंबर तो हमने राइटिंग ही करना, नंबर ऐड करते हैं पहले, हमें सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, नंबर ले लेते हैं 7200 सेंटीमीटर, 7200 सेंटीमीटर ये हमारा क्या है नंबर है। फॉर्मूला ऐड करेंगे सबसे पहले कि 1 सेंटीमीटर मीटर में चेंज करना है, ये सेंटीमीटर है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, ये क्या हमारा ना फॉर्मूला है, ये क्या हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए 1 की जगह क्या आ जाएगा, 7200 आ जाएगा, 1 की जगह क्या आ जाएगा 7200 अपॉन के 100 मीटर। सो कट इट बाय जीरोस टू जीरोस, जीरो से हमने जीरो को कैंसिल करा, डिनोमिनेटर में 1 की वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, डिनोमिनेटर में जो नंबर है दैट इज राइट कर देंगे, 72 का 72 मीटर था, इसलिए मीटर और आंसर। अगर आप सॉल्व करने के बाद आंसर में किलोग्राम ग्राम मीटर सेंटीमीटर लीटर मीटर शो नहीं करते हैं तो जो आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं स्कूल में टीचर्स या ट्यूशन पे टीचर्स से एक्स वाई जेड कोई भी आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं तो क्या होगा, वो इसको गलत कर देंगे, वो इस आंसर को गलत कर देंगे, सॉल्यूशन को गलत कर देंगे। ये सॉल्यूशन जब भी करेक्ट होगा जब लास्ट में आप जो भी आंसर आया उसकी क्या ऐड करें, यूनिट ऐड करें, लास्ट में जो भी आपका आंसर आया आप क्या करें उसकी यूनिट ऐड करेंगे, अदर जब ही वो क्या होगा करेक्ट होगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ठीक है। हम लोग एमसीक्यू करते हैं तो एमसीक्यू में अगर कोई भी हमें क्वेश्चन दे रखा होता है कि इफ सपोज दैट दिस नंबर टू बी दिस नंबर जिसका आंसर ये है, कोई भी एक नंबर है कोई भी एक वर्ड प्रॉब्लम है जब उसको सॉल्व करते हैं तो उस जो कोटेशन दी होती है फिर उसके फोर क्या होते हैं एग्जाम्पल्स होते हैं, तो आपने देखा होगा कि उनके फोर एग्जाम्पल्स में भी उनकी यूनिट सेट होती है, जैसे मीटर हो गया सेंटीमीटर हो गया किलोग्राम लीटर लीटर मीटर हेक्टो जो भी होता है उन सबकी क्या होती है यूनिट ऐड होती है, तो हमें यूनिट ऐड करनी है, अगर हम यूनिट ऐड नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। तो हमने सेंटीमीटर को मीटर में सीख लिया, मीटर को सेंटीमीटर में सीख लिया, तो हमारा क्या हो गया ये भी टॉपिक हो गया क्लियर। अब क्या है हमारा नेक्स्ट, लीटर को मिलीलीटर में करना, नेक्स्ट है हमारा लीटर को मिलीलीटर में करना। अब हम सीखेंगे कि हम लीटर को मिलीलीटर में कैसे चेंज करेंगे, हमारा टॉपिक है लीटर इनटू मिलीलीटर, लीटर को अब करना है मिलीलीटर में, वो सिमिलरिटीज इसका भी क्या होता है फॉर्मूला होता है, इसका भी क्या होता है फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1 × 1000 मिलीलीटर, ये क्या है इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब कोई भी एक नंबर को पुट करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने नंबर ले लिया 28 लीटर, 28 लीटर क्या है हमारा कोई भी एक नंबर है, ये कह लीजिए इलस्ट्रेशन है या एग्जांपल है, ये तो वैसे भी क्वेश्चन ही है समझाने के लिए कि कैसे हम किसी चीज को पुट कर सकते हैं। अब 1 फॉर्मूला पुट करेंगे, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 × 1000 मिलीलीटर, 1 की जगह क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा, तो 28 × 1000 मिलीलीटर। अब 28 × 1000 क्यों आया, क्योंकि लीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं 1000 का ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे 1000 मल्टीप्लाई ही करेंगे, ठीक है। तो 28 × 1000 28 000 × 000 mm, ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर, ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर, कि इसमें हमने क्या देखा कि लीटर को मिलीलीटर में कैसे चेंज करते हैं, फिर हमने सबसे पहले देखा था किलोग्राम को ग्राम में, फिर ग्राम को किलोग्राम में, फिर मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में, अब हमने क्या देखा लीटर को किसमें मिलीलीटर में। अब हमें सीखना है कि किस तरीके से हम लोग मिलीलीटर को लीटर में चेंज करेंगे, तो देखिए अब सीखते हैं मिलीलीटर को लीटर में चेंज करेंगे। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट में उसका हमें क्वेश्चन दीजिए, हम आपको उसके आप ही देंगे।
आपको व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी क्वेरी होती है डिस्कस कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे ही कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पे भी कर सकते हैं, ओके। अब है हमारा लीटर को, हमें किसमें चेक करना है, लीटर इनटू मिली लीटर, सॉरी लीटर लीटर हमने कर लिया था, अब हमें करना है मिली लीटर इनटू लीटर, मिली लीटर इनटू लीटर, हमने लीटर को लीटर में कर लिया था, हम करेंगे लीटर को लीटर में चेंज, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, कोई भी नंबर दे रखा है 77,000 ml, ml means मिली लीटर, एक नंबर है 77,000 मिलीलीटर, हमें इसको चेंज करना है किसमें, लीटर में। हम लगाएंगे 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 लीटर, ठीक है। ये क्या हमारा फॉर्मूला है, इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा हमारा 77,000, 1 क्या हो जाएगा हमारा 77,000 अपॉन के 1000, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और क्या आ गया हमारा, जब मैं फिर वैल्यू बोल रहा हूँ, मैंने बोला था कि डिनोमिनेटर में 1 की वैल्यू नहीं होती है, इसलिए यूनिट में जो नंबर है एज इट इज आ जाएगा, यूनिट ऐड करना मत भूलिएगा, यूनिट में क्या आ जाएगा, लीटर आ जाएगा, और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, यूनिट लास्ट में आंसर में यूनिट ऐड करना मत भूलिएगा, चाहे वो किसी की भी हो, लीटर किलोग्राम मिलीलीटर किसी की भी हो, एक्स वाई जेड, अगर आप ऐड नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये था हमारा कि हमने किस तरीके से मिलीलीटर को लीटर में, लीटर को किलो, सब में चेंज करा, कि किलोग्राम को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में, ठीक है, किलोलीटर को लीटर में, मिलीलीटर को लीटर में, ये सब क्या था हमारा, हमने सीखा। अब कुछ एक चीज़ और सीखेंगे जो थोड़ा सा नया हो सकता है, कोई भी थोड़े से क्वेश्चन लेंगे, इन तीनों के एक एक क्वेश्चन लेंगे। जैसे क्वेश्चन है मेरे पास 42 kg और 50 ग्राम, ये क्वेश्चन है। अभी प्रीवियस में हमने क्या देखा था कि सिर्फ और सिर्फ केजी ऐड कर दिया या सिर्फ और सिर्फ ग्राम ऐड कर दिया, अब ये क्वेश्चन नया है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सेम एडिटेज कन्वर्जन ही करना है, इसमें आपको ग्राम में कन्वर्जन करना है। आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर को ग्राम में कन्वर्जन करना है। आप करेंगे कैसे, छोटी सा ऐड कर देते हैं कन्वर्ट, आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो इसी तरीके से मिलेगा कि कन्वर्ट इनटू ग्राम, कन्वर्ट इनटू ग्राम, और फिर आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा, मतलब उसका पार्ट दे दिया जाएगा, ये क्वेश्चन है तो उसका पार्ट ही है। तो क्वेश्चन आपको ये है कि कन्वर्ट इनटू ग्राम, और उसका पार्ट क्या होगा, ए बी सी डी करके दे रखे होंगे, यहाँ पे मैं अभी आपको एक ही करा रहा हूँ, 42 kg और 50 ग्राम, सेम एडिट इसी तरीके से होगा। अब इससे हमें किसमें चेंज करना है, ग्राम में चेंज करना है। देखिए जब चीज ग्राम में है तो हम उसको ग्राम में चेंज क्यों करेंगे, जब फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राम में है तो हम उसको ग्राम में क्यों चेंज करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट सबसे पहले किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे। तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने का क्या फॉर्मूला था, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, क्या था, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। अब देखिए मतलब 1 × 1000 तो 1000 भी हम ऐड कर सकते हैं, केजी को हमें करना होगा किसमें, ग्राम में चेंज। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस 50 kg को भूल जाएंगे, अभी हम लोग इस 50 kg को भूल जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ याद रखेंगे केजी ऐड याद रखेंगे 42 kg, सिर्फ और सिर्फ हमें ये याद रखना है कि अभी हमारे पास क्या है, 42 kg है, 50 ग्राम को भी हम याद नहीं रखेंगे, वो हम रखेंगे सेकंड स्टेप में आके। देखिए फॉर्मूला पुट करेंगे, 42 × 1000 क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ग्राम में चेंज कर रहे हैं इसलिए ग्राम आ गया। अब 42 × 1000 तो हो गया 42,000 ग्राम, मैंने आपसे कहा था सेकंड स्टेप में लेकर आएंगे किसको, 50 ग्राम को। आप खुद सोचिए कि क्वेश्चन ने हमसे कहा था ग्राम में चेंज करना है, हमने 42 केजी को तो ग्राम में चेंज कर दिया, और 50 ग्राम को हमने कहा था भूल जाए, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि सेकंड स्टेप में लेकर आएंगे, तो सेकंड स्टेप आ गया। अब 2 ग्राम एक साथ तो राइट नहीं हो सकते कि भाई 42,000 ग्राम भी है और 50 ग्राम भी, आंसर गलत है, ये आंसर नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसमें प्लस कर देते हैं, क्योंकि जब दोनों चीज ग्राम है तो क्या हो जाएंगी, वो प्लस हो जाएंगी, ठीक है।
प्लस करेंगे तो 40 0 प्लस 0 0 0 प्लस 5 5। अब यहाँ पर नंबर ही नहीं है इसलिए एडिटिव नंबर क्या हो जाएंगे, एडिटिव कॉपी हो जाएंगे 4 2 0। ठीक है, एक बार साइड में दोबारा करके दिखा देता हूँ। जैसे नंबर है 42,000, इसमें हमें 50 प्लस करना था, ये होगा 50 प्लस 0 प्लस 0 0 5 0 प्लस 5 5 0 का एज इट इज 2 का एज इट इज और 4 का 4 एज इट इज। ये हमारा क्या हो जाता है, वर्किंग नोट हो जाता है। ये हमारा क्या वर्किंग नोट है, किसी किसी स्कूल्स में ट्यूशंस में या फिर बच्चों को समझाने के लिए या फिर किसी भी तरीके से, मान लीजिए कि अपने आप को समझाने के लिए कि हमें कोई गलती तो नहीं कर रही, चेक करने के लिए हम लोग वर्किंग नोट बनाते हैं। W फॉर वर्किंग, N फॉर नोट, वर्किंग नोट। इस वर्किंग नोट का बेनिफिट क्या होता है, जब भी हम कोई भी पेपर सॉल्व करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी कोई भी एक स्कूल है और स्कूल में हमने क्या करना है, पेपर दे रहे हैं, ठीक है, और उसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो जब हमारे टीचर्स कॉपी चेक करेंगे तो वो क्या कह सकते हैं कि हमने वर्किंग नोट बना लिया कि हमने क्या नहीं करी है, चीटिंग नहीं करी है, हमने क्या नहीं करी है, चीटिंग नहीं करी है, इसमें हम लोग वर्किंग नोट शो कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हमारा 40 0 50, ये हमारा आंसर हो गया। ये क्या है हमारा आंसर हो गया कि हमने किस तरीके से ग्राम किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर दिया। अब सिमिलरिटी समझेंगे किसमें, लीटर को मिलीलीटर में, लीटर को मिलीलीटर में समझेंगे। अब समझेंगे क्या चीज, 34 एक नंबर है, 34 लीटर, 50 या 55 ले लेते हैं, चलिए हटाइए 55 ml, ये क्या हमारे नंबर है, हमें इसे चेंज करना है किसमें, चेंज कन्वर्ट इनटू मिलीलीटर, कन्वर्ट इनटू मिलीलीटर। सिमिलरिटीज पुराना वाला, किलोग्राम था ग्राम में करा था, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 55 ml को भूल जाएंगे, क्या हमारे पास सबसे पहले लीटर है, तो लीटर का क्या लगाएंगे हम लोग, फॉर्मूला लगाएंगे इसके लिए मिलीलीटर के लिए, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 × 1000 ml, ठीक है, 1 के लिए क्या आ जाएगा 34 आ जाएगा, 34 × 1000 ml क्या हो गया 34,000 ml, क्यों 34 × 1000 ml। अब 2 ml हम लोग एक साथ ऐड नहीं कर सकते थे, इसलिए क्या करेंगे प्लस कर देंगे किसका 55 का, तो 55 ml, ओके 55 ml। सिमिलरिटीज 0 + 5, लास्ट के वंस की डिजिट है ये, वंस टेंस 100 1000 10000, और ये वंस और टेंस, तो मैं वंस और टेंस की डिजिट को क्या करना होगा, प्लस करना होगा, तो 0 + 5 5 0 + 5 5। अब कोई टू डिजिट थी तो टू डिजिट प्लस कर ली, अब कोई डिजिट ही नहीं है तो एज इट इज ऐड कर लेंगे 0 4 और 3, ये क्या हो जाएगा मिलीलीटर, ये हो गया हमारा आंसर। ये इस तरीके से भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा लीटर को मीटर में चेंज करने का तरीका हो गया। अब करेंगे मीटर को सेंटीमीटर में, अब करेंगे किसको मिलीलीटर को मीटर को सेंटीमीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर। फिर से कोई एक नंबर लेते हैं 42 मीटर और 10 cm, 10 cm, ये क्या हमारा नंबर है, ये क्या हमारा नंबर है, हमें करना है इसको कन्वर्ट करना है किसमें सेंटीमीटर से, मीटर से, फिर से सेंटी की वैल्यू डिजिट को भूल जाइए, 10 cm को सिर्फ क्या याद रखना है हमें मीटर, तो सिमिलरिटीज हम लगाएंगे कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1 × 100 cm और 1 की जगह क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा, तो 42 × 100 एज इट इज ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 100 का 100 और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर, तो 42 × 100 क्या हो जाएगा 4200, ठीक है सेंटीमीटर। अब 2 सेंटीमीटर एक साथ ऐड नहीं कर सकते, मैं पहले बताया था अब फिर से बता रहा हूं, मीटर जब ऊपर से केजी था और मिलीलीटर था, तो प्लस आएंगे और जितना सेंटीमीटर तो अपना ऐड कर लेंगे 10 cm, इतना हमने क्या कर लिया ऐड कर लिया, तो 42 हमने क्या करा
उसको हमले में पुट करा और उसको राइट कर लिया। ठीक है, अब हम करेंगे इसको प्लस। तो देखिए वंस टेंस 100,000 की प्लेस है, ये भी वंस टेंस की, तो वंस टेंस को मतलब है प्लस करना होगा सिर्फ 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1। आपको डिजिट ही नहीं है तो 42 का डिजिट क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा 42 मतलब 4210 सेंटीमीटर आंसर। यूनिट्स लगाना मत भूलेगा, कोई भी नंबर हो आंसर में यूनिट्स लगाना बिल्कुल मत भूलेगा। जो भी जिसने वो कन्वर्ट करवा रहा हो आपसे वो यूनिट लेगी, ऐसा नहीं है कि मीटर है कन्वर्ट सेंटीमीटर है तो आपने मीटर ऐड कर दिया, नहीं, कन्वर्ट आपसे सेंटीमीटर में करवा रहा था तो आपको सेंटीमीटर में ही जाके यूनिट ऐड करनी है। तो कन्वर्ट किसमें करो, सेंटीमीटर में तो करो, उससे सेंटीमीटर में हमको करनी होती है। वर्किंग नोट बनाना चाहे वर्किंग नोट बना लीजिए, वर्किंग नोट बना लेते हैं। नंबर था 4200 किसको प्लस का, 10 को प्लस करना था तो 10 और प्लस करा तो 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 2 का 2 और 4 का 4 तो क्या आ गया 4210। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा नंबर, मतलब आंसर हो गया। सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ओके, कमेंट करिए। कमेंट आप यूट्यूब चैनल पे भी कर सकते हैं, कमेंट आप व्हाट्सएप नंबर पे भी कर सकते हैं, ठीक है, आप किसी पे भी कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी है आप वो क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं किस पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब चैनल पे, किसके थ्रू, DJ47 क्लासेस के थ्रू। ठीक है, कोई भी टॉपिक है आपका मैथ का आप उसके रिलेटेड पूछ सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। प्रीवियस वीडियोज में देखिए, प्रीवियस वीडियोज में मैंने कुछ कन्वर्जन भी सिखाए थे जिसमें आज के वीडियो में था कि केजी, मीटर और लीटर। नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ ना कुछ जरूर होगा जब भी लेकर आएंगे तो। ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड्स।